गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को चैप्टर 13 पढ़ा रही हूँ। उसमें 9 नंबर क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को। 17 किलोग्राम 80 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो चलिए बनाते हैं, लिखेंगे सॉल्व करते समय। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, केजी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है 80 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 मल्टीप्लाई 80। अब यहाँ पर केजी लिख देंगे। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 80/1000। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, जाएगा ही नहीं, जीरो लगाएंगे, 0.0 जीरो लगाएंगे तो 0, फिर पॉइंट लगा के 0, 8 बार जाएगा 8000, तो 0.8। अब इसको फिल कर लेते हैं, इस पार्ट करके 0.08 केजी आएगा। अब क्या करेंगे, 17 किलोग्राम के साथ ये 0.08 को प्लस कर देंगे, 17 केजी प्लस 0.08 kg, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा आंसर, ये 17.08 kg ये आंसर आएगा होगा। इतना आंसर। उसके बाद 10 नंबर्स मैं बताऊंगी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि 10 नंबर्स को मैं बताऊंगी। मैं इसको टेन वाला ऐसे ही बनाना है, टेन नंबर में क्या दिया है, इसको भी ऐसे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। तो यहाँ पर 5 ग्राम ग्राम में जी लगाने से ये होगा 1/1000 मल्टीप्लाई 5 kg। अब इसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के साथ 1 का, तो 5/1000। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.0
00 ग्राम, 005 केजी। अब यहाँ पर कितना है केजी? 20 केजी। 20 केजी प्लस 0.005 20 केजी प्लस 0.005 केजी, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा? 20.005 केजी। ये है आंसर। ये दोनों आप लोगों का 10 तक बन गया, 9 और 10। आप लोग इसको नोट कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिएगा। इसके आगे का मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू।